ईओडब्ल्यू की रिमांड पर दोनों को भेज दिया गया है। अब 8 दिनों तक दोनों से ईओडब्ल्यू पूछताछ करती रहेगी। 4 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी और आज पेशी होने के बाद एक बार फिर से इनको रिमांड पर भेज दिया गया और 3 जून तक रिमांड इनको मिली, ईओडब्ल्यू को इनकी रिमांड मिली है। कोल घोटाले का ये मामला है, इस मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। और दूसरी तरफ सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से भी झटका लगा है और जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई है, फिर से जमानत के लिए दाखिल करेंगे अर्जी। लेकिन इस बीच 3 जून तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया गया है दोनों को। 8 दिनों तक ईओडब्ल्यू इनसे कड़ी पूछताछ करने वाली है। 4 दिन के रिमांड पर थे और 4 दिन की रिमांड खत्म हुई उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया था, फिर से रिमांड मांग ली ईडी की तरफ से। ईडी ने कुछ जानकारी जो है कोर्ट को दी और कोर्ट उस जानकारी से संतुष्ट हुई। ईडी को लग रहा है कि अभी और पूछताछ की जानी बाकी है और इसीलिए 4 दिन की रिमांड जो है नाकाफी है, इसलिए ज़्यादा रिमांड मांगी गई और 8 दिन की रिमांड जो है स्वीकृत भी कर दी गई है। कोयला घोटाले का यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस मामले में 2 लोग, रानू साहू और सौम्या चौरसिया, इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया था और अब 8 दिनों तक दोनों से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। और युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, सौम्या चौरसिया की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, 4 दिन की रिमांड ना काफ़ी थी और ईडी ने डिमांड की और ईडी को उसकी जो डिमांड थी उसके अनुरूप 8 दिन की रिमांड और मिल गई। जी बिल्कुल, देखिए जो निलंबित आईएएस है रानू साहू और सौम्या चौरसिया, इसकी रिमांड की अवधि है कोर्ट ने बढ़ा दी है। विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 3 जून तक के ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया है। कोल इसके मामले में 8 दिनों तक के ईओडब्ल्यू करेगी इनसे पूछताछ। 4 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें पेश किया गया था लेकिन उन्हें की रिमांड की अवधि बढ़ गई है और ऐसे में ये है कि अब कोर्ट को इन्होंने प्रमाणित भी एक तरह से कर दिया है कि और भी पूछताछ इनको करनी है और कुछ साक्ष्य हैं वो भी इन्हें एकत्र करने हैं, उसके बाद और भी कार्रवाई है वो हो सकती है। गिरफ्तारियों की जो आरोपियों की संख्या है वो बढ़ सकती है और किस तरह से कौन इसके मामले में लेवी की जब वसूली की जाती थी तो पैसा कौन वसूली करता था, किसके पास जाता था, किसके कहने पर जाता था, तमाम इन कड़ियों को पुनित है उजोड़ने का काम एसीबी ओडब्ल्यू की टीम है वो कर रही है और ये पूरा खुलासा पूछताछ के बाद ही हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी इसके जो राज है कोल स्कीम के वो खुल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की करते हैं। अगली खबर कांकेर से बड़ी खबर, हेमचंद मांझी अब पद्मश्री सम्मान नहीं लौटाएंगे। इन्होंने पहले पद्मश्री सम्मान लौटाने की बात कह दी थी। क्यों कह दी थी? क्योंकि सुरक्षा का खतरा इनको लग रहा था, इनकी जान का। दरअसल इनको लगातार नक्सलियों की तरफ से धमकी मिल रही थी और अब सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है जिसके बाद मांझी ने अपना फैसला बदल दिया है। एसपी ने हेमचंद मांझी से बातचीत की है। हेमचंद मांझी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो प्रदान कर दी गई। धमतरी से खबर, बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। निजी बैंक का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप क्या है, 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई और इस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर दर्ज जैसी हुई उसके बाद से यह फरार था और ये निजी बैंक का मैनेजर है। 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में यह फरार चल रहा था, आखिरकार इसे दबोच लिया गया और ये निजी बैंक का मैनेजर है। जैसे एफआईआर हुई थी वैसे ही ये फरार हो गए थे मैनेजर साहब, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और खबर उज्जैन से, जहां पर टायर की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री